फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से इंडोर प्लांट के बारे में। ये देखिए, ये है शेफलेरा का प्लांट और इसे ड्वार्फ अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। एक ट्री फॉर्म में होता है तो इसे ड्वार्फ अम्ब्रेला कहते हैं। ये हम इंडोर प्लांट है और देखिए कितना इसके लीव्स देखिए कितनी ग्रीन है और इसमें वेरिगेशन भी है। तो जैसा कि हमारे सारे परमानेंट प्लांट जो इंडोर हैं वो हल्का सा जब समर सीज़न की शुरुआत होती है तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। और ये मेरा प्लांट काफ़ी पुराना है और जैसे ही कि मौसम में हल्की सी गर्माहट आई है इसमें नई नई लीव्स देखिए आना शुरू हो गई है। तो इस प्लांट को देखिए मैंने जैसे एरिया में रखा है कि छन की हल्की सनलाइट इसमें आती है मॉर्निंग की सिर्फ, और ये 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से आप ऐसी लोकेशन दीजिए शेफलेरा को कि जहाँ से हल्की सी ब्राइट लाइट मतलब आए, छन के कहीं से हल्की सी धूप आए, तो इसमें वेरिगेशन बहुत अच्छा आता है। हालांकि ये इंडोर भी ग्रो हो जाते हैं जहाँ लाइट नहीं है, लेकिन फिर इसकी लीव्स में उतना अच्छा आपको वेरिगेशन नहीं देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये कटिंग से बहुत ईजिली लग जाते हैं। देखिए ये मेन प्लांट था मेरा और इसकी कटिंग लेके मैंने लगा दी थी और ये वाला भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है और इसमें भी अब न्यू लीव्स आना शुरू हो गई हैं। तो जैसे कि हमारा बड़ा ये वाला प्लांट एकदम ग्रो हो रहा था तो नीचे बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था क्योंकि नीचे की लीव्स जो पुरानी होके झड़ गई थी और एक कटिंग मैंने लगा दी, तो ये मेरा पॉट बहुत ही देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आप कटिंग से इसे बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। और कोई भी इंडोर प्लांट है तो आप उसे थोड़ा सा अगर शेडी एरिया में रखें, मतलब हल्की सी सनलाइट मॉर्निंग की दे दें, तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर होते हैं। किसी भी इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसे बिल्कुल भी सनलाइट प्रोवाइड ही ना करें। देखिए सनलाइट मिलने से इसमें वेरिगेशन भी बहुत ही अच्छा आता है। और हाँ, हार्श सन को तो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते, इन्हें बस मॉर्निंग की थोड़ी सी मिल जाए सन, या आपका मिरर वगैरह शीशा लगा हो तो उसके अंदर से हल्की सी छन के धूप आती हो तो उतना ही काफ़ी होता है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए। और इसकी सॉइल की मैं बात करूँ तो आप इसकी सॉइल हमेशा इंडोर प्लांट की सॉइल ऐसी बनाइए जो थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करें। और आपकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि हल्का सा मॉइस्चर भी मेंटेन रहे और एट द सेम टाइम वो सॉगी भी ना हो, जैसे कीचड़ जैसी भी नहीं होनी चाहिए, तभी आपके प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो मैंने जो सॉइल ली है उसमें मैंने लिया है 40% सॉइल, 20% कॉम्पोस्ट और 20% कोकोपीट एंड 20% सैंड। तो आप जब सैंड या राइस हस्क दोनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी पोरोसिटी के लिए, और थोड़ी सी कोकोपीट ऐड करने से मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और वाटरिंग आप बहुत इस तरह से करिए कि आप जब ऊपर की सॉइल ड्राई लगे, मतलब 1 इंच की आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर ड्राई लगे तभी आप वाटरिंग करिए। और बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब समर्स है जैसे आजकल है, जल्दी जल्दी ड्राई होती है, तो मे बी आपको रोज़ वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज विंटर्स में तो इनमें हफ्ते में एक बार भी हम वाटरिंग करते हैं तो भी चल जाता है। तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए। बाय।